हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम कल आए थे लेके एंजाइम का ऑडियो बुक, जिसे काफ़ी लोगों ने बहुत ही पसंद किया और मुझे रिकमेंड किया कि इस ऑडियो बुक की सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेके आया हूँ ऑडियो बुक अमीनो एसिड के ऊपर। तो आज हम देखने वाले हैं अमीनो एसिड क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड कौन कौन से, जैसे कि न्यूट्रल कौन होता है, कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड होता है, कौन सा बेसिक होता है, कौन सल्फर कंटेनिंग होता है, कौन एल्कोहलिक होता है, कौन हेट्रोसाइक्लिक होता है, अमीनो एसिड क्या होता है, ज्यूटर आयन क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है और इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कंटेन किए होते हैं अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इसमें साइड में आर चेन भी, आर ग्रुप भी लगा होता है। ये आर ग्रुप जो होता है साइड चेन वाला, वो वेरी करता रहता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे मेथिल हो सकता है, फिर मेथिल से एल्कोहल जुड़ सकता है, एल्कोहल से फिर मेथिल से जाके फिनॉल जुड़ सकता है, तो और फिर फिनॉल से जाके वहाँ पे दूसरे दूसरे ग्रुप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरीज करता रहता है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड बनते रहते हैं। ओके, तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, याद रखिएगा। ओके, डाई अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, अमीनो एसिड जो होता है वो होता है लाइसिन, और टू कायरल कंटेनिंग अमीनो एसिड। कायरल मतलब समझते हैं ना, कार्बन, एक कार्बन रहता है तो कार्बन से चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होते हैं, तो उसे कायरल कार्बन बोलते हैं। तो टू कायरल, दो जहाँ पे दो, मतलब सेंट्रल में जो दो कार्बन पाया जाता है, ठीक है, जिससे जुड़े होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, दो कायरल कार्बन जिस अमीनो एसिड में मिलता है, तो वो होता है थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन। तो इसे हम टू कायरल कंटेनिंग अमीनो एसिड हम बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ज्यूटर आयन के बारे में, पहले बात कर लेते हैं ज्यूटर आयन। जब हम अमीनो एसिड को किसी भी सॉल्यूशन में जब हम उसे डिजॉल्व करते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसका ब्रेकेज हो जाता है, ठीक है, टाइट्रेशन बोलते हैं इसे। तो वहाँ पे क्या होता है, एक साथ पॉजिटिव चार्ज भी और निगेटिव चार्ज दोनों एक साथ वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर। तो इसे हम ज्यूटर आयन बोलते हैं। ओके, तो फिर ये बात हुई। फिर हम बात करते हैं अमीनो एसिड के बारे में। तो अमीनो एसिड क्या होता है, जैसे कि सारे जो अमीनो एसिड होते हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप NH2 ग्रुप कंटेन किए होते हैं, लेकिन प्रोलीन जो होता है, प्रोलीन में NH2 के जगह NH देखा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे NH ग्रुप होता है, इसलिए हम इसे अमीनो एसिड बोलते हैं। अगला पॉइंट, जो ये अमीनो एसिड जो होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन का जो होता है वो जिसे प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो अमीनो एसिड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, तो वो ही अमीनो एसिड प्रोटीन बना सकते हैं जो कि एल फॉर्म में होते हैं। डी फॉर्म वाला जो होता है, ठीक है, डी फॉर्म वाला अमीनो एसिड वो प्रोटीन बनाने में टेक पार्ट नहीं करता है। ओके, अगला पार्ट है कि मतलब कितने अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं। तो पहले की स्टडी बताती थी कि 20 अमीनो एसिड, जिसे हम मैजिक 20 बोलते थे, वो मतलब बनाती थी प्रोटीन, लेकिन दो नई अमीनो एसिड की डिस्कवरी हो गई है, पायरोलाइसिन एंड सोलिनिसिस्टीन, तो ये सब हो गई मैजिक 22। फिर हम बात करते हैं अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड पूछता है कि कौन सल्फर कंटेनिंग, कौन एरोमेटिक है, तो इसे काफ़ी अच्छे से सुनिए आप सब। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन का सिंगल लेटर कोड भी बताते चलता हूँ साथ साथ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, एलेनिन होता है, एलेनिन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वैलिन होता है, वैलिन को रिप्रेजेंट करते हैं भी से, ल्यूसिन होता है एल से रिप्रेजेंट करते हैं, आइसोल्यूसिन को आई से। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, जी आवली मतलब जी से ग्लाइसिन, अ से एलेनिन, व से वैलिन, ल से ल्यूसिन, आई से आइसोल्यूसिन, जी आवली। ओके, ये हो गया बात न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में। तो एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, वो एस्पार्टिक एसिड डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एस्पार्जिन एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूटामिक एसिड इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूटामिन इसे हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस्पार्टिक एसिड एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिन, ये सब हो गए एसिडिक अमीनो एसिड। अब हम बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड के बारे में। बेसिक कौन कौन से होते हैं, तो HRK आप याद रख सकते हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ठीक है। हिस्टिडीन को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, आर्जिनिन को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, एंड लाइसिन को
रिप्रेजेंट करते हैं के से, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से हैं, तो सिस्टीन है, मेथियोनीन है, तो ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। सिस्टीन एंड मेथियोनीन जो होता है यह सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। एल्कोहलिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, सेरीन हो गया, सेरीन को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, थ्रियोनीन हो गया, थ्रियोनीन को करते हैं रिप्रेजेंट टी से, एंड टायरोसिन तो टायरोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। ओके, और अब बात करते हैं एरोमेटिक कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, तो एरोमेटिक में जैसे फेनिल एलिनील हो गया, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टायरोसिन हो गया, टायरोसिन एल्कोहलिक भी है एरोमेटिक भी है, तो टायरोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, ट्रिप्टोफैन को डब्ल्यू से, एंड हो गया हिस्टिडीन, हिस्टिडीन भी एरोमेटिक है एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हेट्रोसाइक्लिक कौन कौन से, तो हेट्रोसाइक्लिक में आ गया हिस्टिडीन एंड प्रोलिन। अब हम बात करते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में, तो हॉपकिंस ने बताया था कि एनिमल में होता है, जैसे एनिमल्स में 20 अमीनो एसिड में से, ठीक है 20 अमीनो एसिड सोलेनेसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन को छोड़ के जो 20 अमीनो एसिड थे, तो उनमें से 7 अमीनो एसिड जो होता है वो सिंथेसाइज नहीं होता, उसे हमें बाहर से लेना होता है। तो जो अमीनो एसिड हमें बाहर से लेना होता है तो उसे हम इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, जैसे ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिल एलेनिन, लाइसिन एंड मेथियोलिन, जो कि एनिमल बॉडी के अंदर नहीं सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ह्यूमन एडल्ट जो होते हैं, ह्यूमन एडल्ट के अंदर 8 अमीनो एसिड का सिंथेसिस नहीं होता है, और ह्यूमन के जो चिल्ड्रेन, जैसे चिल्ड्रेन जो हैं, चिल्ड्रेन के अंदर 10 अमीनो एसिड का सिंथेसिस नहीं होता है, तो इसे हम इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। और एक बात आप सब याद रखिए कि हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन को हम सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ पार्ट में सिंथेसाइज भी होते हैं और कुछ हम बाहर से भी लेना पड़ता है। ओके, तो आगे हम देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। सबको पता ही होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जब दो अमीनो एसिड पास पास आते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और वहाँ पे CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और प्रोटीन जब बनता है तो ये पेप्टाइड बॉन्ड को देखा जाता है। ओके, एकदम सिंपल ही है, ये रहा अमीनो एसिड का एकदम सिंपल चीज़ें, जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन चीज़ों को मैंने डील किया है। और मैं बता दूँ तो यहाँ अमीनो एसिड से अब बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन अभी हम आगे ऑडियो बुक में देखेंगे प्रोटीन के बारे में, तो वहाँ पे थोड़ा एडवांस है हम डील करेंगे, लेकिन अमीनो एसिड से जहाँ तक मैंने क्वेश्चन देखा है वो पूछा जाता है यहीं कि बेसिक कौन है, एसिडिक कौन है, सल्फर कंटेनिंग कौन है, किसका सिंगल लेटर कोड कौन है। ठीक है, तो सिंगल लेटर कोड में वहीं आपको याद करना है लाइसिन का याद रखना है, टायरोसिन का याद रखना है, एस्पार्टिक एसिड का याद करना है, एस्पारजिन का, ग्लूटामिक एसिड का एंड ग्लूटामाइन का। ओके, और सब तो वैसे ही उनके नाम के ऊपर है। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑडियो बुक, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया हो। ठीक है, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस ऑडियो बुक को शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए और वो भी कुछ सीख सकें, कुछ रिवाइज कर सकें। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। नेक्स्ट ऑडियो बुक रहेगा आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन।